हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल आर स्टडी अड्डा। तो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं द थर्ड लेवल का पार्ट टू। जैसा कि पार्ट वन में आपने देखा कि ऑथर टर्नल के अंदर चल रहे हैं एंड उनको कुछ वॉल्यूम सुनाई देता है, तो वो लेफ्ट टर्न होते हैं। अब लेफ्ट टर्न होने के बाद आखिर होता क्या है, देखते हैं इस वाली वीडियो में। गाइज, जैसे ही वो लेफ्ट टर्न होते हैं उनको कुछ सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं, वो सीढ़ियों को क्रॉस करते हैं और ऊपर की ओर जाते हैं, तो एक लेवल आ जाता है। मतलब जो ट्रेन पर लेवल बने हुए होते हैं, वन लेवल फर्स्ट एंड सेकेंड, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो घूम फिर कर फिर से फर्स्ट या सेकेंड लेवल पर आकर रुक गए। बट ऐसा था नहीं, वहाँ बहुत कुछ चेंज था। वहाँ जो रूम थे वो बहुत छोटे छोटे थे और टिकट बनाने की जो विंडो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। टिकट बनाने की विंडो तो कम थी ही, साथ साथ ट्रेन गेट भी बहुत कम थे। वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन बूथ होता है वो एक लकड़ी का बना हुआ बूथ था। ऐसा लग रहा था हम पुराने जमाने में चले गए हैं। दूसरी बात, वहाँ पर लाइट के सोर्स बहुत ज़्यादा कम थे और जब ऑथर ने इधर उधर घूमकर देखा तो वहाँ पर एयर लैम्प का यूज़ हो रहा था। ऑथर ने देखा कि वहाँ पर एक पुराने जमाने का पान थूकने वाला ब्रास स्प्रिट भी पड़ा हुआ था एंड वो देखते हैं वहाँ पर एक मैन है जो अपनी पॉकेट से गोल्ड वॉच निकालता है। उसने ब्लैक कलर का 4 बटन वाला सूट पहन रखा था एंड हैट लगा रखी थी, जैसा 1890 में लोग रहते थे। 1890 वाला ड्रेसअप ही ज़्यादातर लोगों ने वहाँ पर पहन रखा था। उन्होंने एक वुमेन को देखा जिनका ड्रेसअप टाइट जीन्स थी एंड कोट जैसा पहन रखा था उन्होंने। उनके जूते कुछ अजीब से थे। उस ट्रेंड को देखकर पुराने जमाने की याद आती थी। और गाइस, जहाँ पर वो ट्रेन यूज हो रही थी वो भी पुराने जमाने की थी। अब इन सब चीज़ों को देखकर आपको क्या लगता है कि टाइम ट्रेवल कर रहे थे ये लोग या क्या हो रहा था? यार कुछ तो है ना चैप्टर में इंटरेस्टिंग, तो चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं और होता क्या है आखिर। अब गाइस, जो ऑथर हैं उनको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि सारी चीज़ें डिफरेंट क्यों हैं। इस चीज़ को पता करने के लिए वो एक न्यूज़पेपर वाले के पास जाते हैं और न्यूज़पेपर वाले से न्यूज़पेपर खरीदते हैं। तो वो न्यूज़पेपर का नाम था द वर्ल्ड। तो नरेटर सोचते हैं यार ये न्यूज़पेपर तो बहुत टाइम पहले ही बंद हो चुका है, इस पर तो गवर्नमेंट ने वैन लगा दिया था। गाइस, क्योंकि नरेटर को पता करना था कि आखिर ये चल क्या रहा है, तो वो फटाफट से न्यूज़पेपर लेते हैं एंड उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उस न्यूज़पेपर पे जो फर्स्ट न्यूज़ या स्टोरी छपी थी वो प्रेसिडेंट केवलेंट के बारे में थी। जब वो डेट चेक करते हैं न्यूज़पेपर की तो डेट थी 11 जून 1984। अब नरेटर जान चुके थे कि मैं पास्ट में आ चुका हूँ, ठीक है, मैंने टाइम ट्रेवल किया है एंड मैं पास्ट में आ चुका हूँ, और क्योंकि मैं प्रेजेंट से आया हूँ तो पास्ट में मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे और यहाँ की जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम होगी और मैं यहाँ पर सबसे अमीर हूँ। वो सोचते हैं मैं यहाँ से कम दामों में टिकट खरीद सकता हूँ और कहीं भी जाने का टिकट खरीद सकता हूँ। तो वो फटाफट से टिकट काउंटर के पास जाने की कोशिश करते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैं अपनी वाइफ के साथ न्यूयॉर्क के गैसबैक आइलनॉइस जाऊँगा। अब ऐसा क्यों, वहीं क्यों जाना चाहते थे वो? तो नरेटर बताते हैं क्योंकि वहाँ पर ओल्ड फार्म्स हैं, यूज लॉन है, बिग ट्री हैं एंड ट्री इतने ज़्यादा बड़े हैं कि रोड के ऊपर उन्होंने एक छत जैसी बना लेते हैं, मतलब गुफा जैसी बन जाती है और वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। नरेटर ये भी बताते हैं कि वहाँ की जो इवनिंग है ना वो दुगनी बड़ी है, बहुत ज़्यादा लंबी इवनिंग होती है वहाँ पर, और वहाँ के जो मैन हैं वो गार्डन्स में या फिर रोड्स के किनारे बैठकर स्मोक करते रहते हैं, इंजॉय करते हैं। वहाँ की जो लेडीज़ हैं वो पाम लीव से फैन बनाती हैं, और क्योंकि नरेटर उस टाइम में अमीर थे, ठीक है, पास्ट और प्रेजेंट का फ़र्क आप जानते हैं क्या हो सकता है, तो इसलिए उन्हें लगा कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ। वो टिकट काउंटर के पास जाते हैं टिकट खरीदने के लिए। जैसे ही वो अपनी करेंसी देते हैं टिकट काउंटर वाला कहता है तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है, तुम क्या मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो? अब आप सोच सकते हैं कि ये बात उसने क्यों कही होगी, क्योंकि वो प्रेजेंट की करेंसी पास्ट में चलाने की कोशिश कर रहे थे। अब ऑथर को लगा कहीं मुझे ये लोग पुलिस से पकड़वा ना दें या फिर किसी जुर्म में अंदर ना करा दें, इसलिए वो फटाफट से टिकट काउंटर से निकल लिए। और निकलने के बाद वो फिर से उसी टर्नल में जाकर अपने प्रेजेंट में आ जाते हैं, मतलब वो टाइम ट्रेवल करके फिर से कैसे भी भाई प्रेजेंट में आ गए थे। प्रेजेंट में आने के बाद फटाफट से वो अपने घर से जो करेंसी थी उसको उठाकर बैंक जाते हैं, मतलब बैंक से जाकर निकालते हैं करेंसी को एंड उसको पुरानी करेंसी में चेंज कराते हैं।
उनको $300 के $200 ही मिले थे, उन्हें नुकसान हुआ था, पर वो जानते थे कि पास्ट में जाकर इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी और वो खुश थे। उन्हें कोई अंदर से वो नहीं था कि मेरी करेंसी चेंज करने से इतना नुकसान हुआ है मुझे। करेंसी चेंज करने के बाद वो फिर से घर आते हैं। उसके बाद ऑथर बताते हैं कि वो कई बार सेंट्रल स्टेशन गए और उन्होंने उस कॉरिडोर के ढूंढने की कोशिश की, कई बार ढूंढा, बट वो कॉरिडोर उनको फिर कभी नहीं मिला। अब ये स्टोरी सुनने के बाद उनकी वाइफ लुइसा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो नहीं चाहती थी कि उनके हस्बैंड फिर से थर्ड लेवल को ढूंढने जाएं या फिर ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि लुइसा को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि थर्ड लेवल है। अब यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है यार, ध्यान से सुनना ओके। अब लुइसा के हस्बैंड थर्ड लेवल को ढूंढना बंद कर देते हैं और फिर से स्टैम्प कलेक्शन करने लगते हैं, वही काम फिर से स्टार्ट कर देते हैं, उसी पर अपना फोकस करने लगते हैं। अचानक से वो और उनकी वाइफ थर्ड लेवल को ढूंढना स्टार्ट कर देती हैं। गाइस बहुत मजा आने वाला है, देखना वीडियो को पूरा ओके भाई, क्योंकि उनके पास एक सबूत था उस थर्ड लेवल को लेकर। अब वो सबूत क्या था आखिर, आप भी जानना चाहते हैं और मैं भी, यार कमेंट करके बताओ क्या हो सकता है। चलो मैं आगे चल के बताती हूँ। गाइस यहाँ पर जो ऑथर का फ्रेंड था, जो सैम था, यानी एक साइकेट्रिस्ट था, वो गायब हो जाता है और ऑथर बताते हैं कि उसको भी गाइस बग जाने का बहुत ज्यादा शौक था या बहुत ज्यादा इच्छा थी। ऑथर बताते हैं कि शायद उसको वो थर्ड लेवल मिल चुका है और वो गैस बग पहुंच चुका है। और यहाँ पर नरेटर कोई तुक्का नहीं मार रहे हैं, वो उनके पास प्रूफ है कि सैम वहाँ जा चुका है। वो बताते हैं कि जब वो स्टैम्प कलेक्शन कर रहे थे तो उनके पास एक कवर आया था जो फर्स्ट डे करके था, फर्स्ट स्टैम्प कवर था। फर्स्ट स्टैम्प कवर क्या होता है, जैसे कि कोई स्टैम्प आज ही आज पब्लिश हुआ है या फिर निकला है, तो लोग क्या करते हैं उस स्टैम्प को एक खाली एनवलप में लगा देते हैं और अपने ही एड्रेस पर पोस्ट कर देते हैं। अपने ही स्टैम्प मतलब एड्रेस पर क्यों सेंड करते हैं उसको, ताकि उस स्टैम्प पर उस दिन का डेट स्टैम्प हो जाए। उनको एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। अब फर्स्ट डे कवर आखिर होता क्या है गाइस, जब कोई नया स्टैम्प पब्लिश होता है, मान लो मार्केट में आज कोई नया स्टैम्प पब्लिश हो गया, तो लोग क्या करते हैं उसे एक खाली एनवलप में लगा देते हैं और अपने ही एड्रेस पर पोस्ट कर देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, ताकि उसी दिन का डेट उस स्टैम्प पर लग जाए और वो बन जाए फर्स्ट डे कवर। गाइस इसका रीजन मुझे भी समझ नहीं आया, बट ऐसा वहां के लोग करते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि नरेटर को एक फर्स्ट डे कवर मिलता है जिसको उन्होंने अपनी लाइफ में पहले कभी भी नहीं देखा होता है, और जब नरेटर उस कवर पर डेट देखते हैं तो डेट थी 1894 की कोई डेट रही होगी, और उस टाइम में किसी ने उनके ग्रैंडफादर को वो पोस्ट किया था, फर्स्ट डे कवर पोस्ट किया था। आप लोगों को पता है उनके ग्रैंडफादर कहां रहते थे, उनके ग्रैंडफादर रहते थे गैस बक में। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो दूसरे फर्स्ट डे कवर होते हैं उनमें कुछ भी नहीं होता है, अंदर एक ब्लैंक पेपर रखा हुआ था होता है, बट इस फर्स्ट डे कवर में कुछ रखा हुआ था एंड लिखा हुआ भी था। अब उस पेपर में लिखा क्या था पता है आपको, उस पेपर में लिखा था, चार्ली मैं सैम हूँ और मैं यहाँ पर 2 वीक से रह रहा हूँ और मुझे यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है, और तुम और लुइसा थर्ड लेवल को ढूंढना बंद मत करना, क्योंकि ये चीज एक सच्ची चीज है, मतलब ये सच में एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पर आना वर्थ इट है, मतलब जितनी मेहनत तुम लोग इसे ढूंढने में कर रहे हो ना, यहाँ आकर उतना ही सुकून और उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा तुम लोगों को। और उस लेटर पर जो डेट मेंशन थी वो थी 18 जुलाई 1894। उस लेटर के ऊपर प्रेसिडेंट गार्डफील्ड का एक फोटो लगा हुआ था। उस नोट के नीचे जो साइन था वो सैम का साइन था। हमारे नरेटर सैम के बारे में और कुछ पता लगाना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अभी कुछ दिन पहले ही सैम ने $800 पुराने टाइम के खरीदे हैं। नरेटर कहते हैं कि अब तक तो सैम ने एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि वो हमेशा से एक न्यू बिजनेस करना चाहता था। वो ग्रीन बिजनेस करना चाहता था, ग्रीन बिजनेस से मतलब हो सकता है शायद प्लांटेशन करने चाहते होंगे वो, क्योंकि उस टाइम में साइकेट्रिस्ट की तो कोई जरूरत थी नहीं, और होगी भी तो इतनी ज्यादा नहीं होगी। गाइस यहीं पर हमारी स्टोरी फिनिश हो जाती है, बट मेरी समझ से परे है और मैं नहीं मानती कि थर्ड लेवल होगा, इसके बहुत सारे प्रूफ हैं भाई, मेरे पास भी प्रूफ हैं, होता होगा। फिलहाल आपके चैप्टर में यही दिया गया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां लिंक दिए गए हैं,
और सारे चैप्टर की समरी के लिए यार चैनल चेक कर लो, वहां मिल जाएंगे सारे चैप्टर। थैंक यू सो मच।